माया को अंग। कबीर, माया मोहिनी मांगी मिले न हाथ, मना उतारी जूठ कर लागी डोले साथ। सदगुरु कबीर कहते हैं कि माया मोहिनी है, सबको मोह लेने वाली है, इसके पीछे दौड़ो, इसकी इच्छा कामना करो तो हाथ आने वाली नहीं है। दूर दूर चली जाती है, हाथ आने का अर्थ यह है कि दुनिया में किसी की इच्छा पूरी नहीं होती है। माया मुख्य माया तो है अपने मन का मोह, इच्छा कामना तृष्णा, लेकिन मोह उत्पन्न होने के कारण या जिनको देख करके मोह उत्पन्न होता है उन प्राणी पदार्थों को भी माया कहा जाता है। जिनके लिए इच्छा उत्पन्न होती है उनको माया कहा जाता है, लेकिन मुख्य माया है अपने मन का मोह। हमारे मन में मोह ना हो, इच्छा कामना तृष्णा ना हो, भोगों की आसक्ति ना हो, तो बाहर के प्राणी पदार्थ हमें भटका कैसे सकते हैं। इसलिए मुख्य माया है मन का मोह। यहाँ पर माया कबीर माया मोहनी, यहाँ माया है संसार का चाकचिक, धन ऐश्वर्य उपलब्धि, कोई भी उपलब्धि हो मन को मोह लेती है। बाहर का राग रंग मन को मोह लेता है, लेकिन मांगी मिले ना हाथ, उनकी चाहना करो कि ऐसा ऐश्वर्य मेरे पास भी होता, ऐसा मेरा भी सम्मान होता, ऐसे सुख मुझे भी मिलता। तो साहब कहते हैं माया हाथ में आने वाली नहीं है, इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। किसकी इच्छा पूरी हुई दुनिया में आज तक? लेकिन मना उतारी जूठ कर इस माया को जूठी समझ कर मन से उतार दो, इसकी चाहना का त्याग कर दो। लागी डोले साथ, फिर ये पीछे पीछे घूमती है माया, झूठी है। कोई भोजन हो उसमें से कोई थाली परस करके दे दिया गया, किसी ने उसको खा लिया, बचा वो जूठा हो गया। गिलास में पानी पी रहे हैं, पी लिए मुंह लगा करके, जो पानी बचा कर दे जूठा है। ऐसे ये पूरी दुनिया जूठी है, अनेक लोगों द्वारा ये दुनिया का भोग ऐश्वर्य भोग लिया गया है,
लेकिन हम इसी झूठी वस्तु माया के पीछे दीवाने बने हुए हैं। कोई अपना झूठा भोजन हमें दे दे तो हम कहेंगे हमारा अपमान करते हो, हम इतने गए बीते हैं। भिखारी भी जब तक भूख से अत्यंत पीड़ित ना हो झूठा भोजन नहीं खाना चाहेगा, झूठा पानी नहीं पीना चाहेगा। लेकिन ये झूठी माया कितना ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री की कुर्सी अनेक लोग बैठ चुके हैं, झूठी हो चुकी है, लेकिन उसके लिए कितने लोगों के मन में तृष्णा है। जितने एमपी हैं सोचते हैं सब हम प्रधानमंत्री बन जाए। गुरुगद्दी अनेक लोग बैठ चुके हैं, लेकिन साधुओं के मन में भी कितनी इच्छा होती कि हम गुरु बन जाए, हमें गद्दी मिले, ऐसे और ले ले। पूरी दुनिया का ऐश्वर्य अनेक लोगों द्वारा भोगा जा चुका है, लेकिन उसके पीछे आदमी के मन में तृष्णा कितनी है और उसके लिए आदमी छल कपट कितना, और अंत में झूठी भी हो जाती है। बड़ी मेहनत किए, बड़ी मेहनत किए, दौड़ धूप करके किसी प्रकार से दुनिया के ऐश्वर्य प्राप्त किए और अंत में छूट गया, साथ तो आने वाला नहीं है कोई ऐश्वर्य। ये झूठी है और अंत में झूठी हो जाने वाली है, साथ देने वाली नहीं है, ऐसा समझकर चित से उतार दो, इसकी कामना ही मत करो तो लागी डोले साथ। सदगुरु कहते हैं पीछे पीछे घूमती है। जिन्होंने इच्छा छोड़ दिया, कामना का त्याग कर दिया, उसका मन सब समय पूर्ण है, उसे कभी कमी का अनुभव होता ही नहीं है, तो मानो माया सब समय पीछे घूमेगी। कबीर माया पापिनी, लोभ भुलाया लोग, पूरा किन्न भोगिया इसका यही वियोग। साहब कहते हैं ये माया पापिनी है, इसने दुनिया के लोगों को लोभ में डाल करके भुला दिया है। माया पापिनी है, माया तो कोई ऐसी है नहीं, सजीव कोई प्राणधारी जो कोई पाप करे। पाप तो आदमी करता है माया के कारण, कहीं भी कोई पाप है तो माया के कारण। गुरुजी पाप की व्याख्या क्या करते थे, पाप क्या है, अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित करना और दूसरे को तकलीफ देना ये पाप है। और किसके लिए होता है, मन इंद्रियां हमारे उत्तेजित किस लिए होती है, माया को देख करके, चाहे काम की बात ना हो, चाहे लोभ की बात, चाहे धन की बात ना हो, चाहे पद की वासना हो, यही माया है। इनके लिए हमारे मन इंद्रिय उत्तेजित होते हैं और इन्हीं के लिए हम दूसरे को तकलीफ देते हैं, किसी का हक मारते हैं, रातें में रोड़े अटकाते हैं, हिंसा हत्या करते हैं। तो माया के कारण आदमी पाप करता है। माया कुछ ऐसा नहीं है जो कि पाप करती हो, लेकिन आदमी करता, इसलिए माया को पाप नहीं कह दिया गया। माया के चक्कर में पड़ करके आदमी पाप कर रहा है। साहब कहते हैं कि माया पापिनी है, लोगों को लोभ में डाल करके ये पाप करवाती रहती है और सबको भुला रखा है लोभ में। लोभ क्या है, सुख का लोभ, धन से सुख मिलेगा,
जमीन से सुख मिलेगा, पद से सुख मिलेगा, सम्मान से सुख मिलेगा, गुरुवाय से सुख मिलेगा, कुर्सी से सुख मिलेगा, अधिकार से सुख मिलेगा, भोगों से सुख मिलेगा, इसी का लोभ। और इस लोभ में माया ने सबको भुला दिया है पूरा, किन्होंने भोगिया, लेकिन आज तक इस माया का पूरा भोग कोई नहीं कर सका। इसका भी यही वियोग, ये बीच में ही अधूरे पने में ही माया साथ छोड़ देती है। दुनिया के भोगों को भोग करके आज तक तृप्ति का अनुभव किसने किया है? बड़ा सा बड़ा सम्मान पा करके किसका मन पूरा हुआ? भाई जितना सम्मान मुझे मिलना चाहिए था वो मिल गया। धन पा करके किसके मन में संतोष हुआ है? कौन भोग सका है माया को आज तक? माया किन्होंने भोगी हो? साहब ने बीजक में कहा है माया का कोई भोग आज तक नहीं कर पाया, माया ने ही भोग डाला सबको। भोगाना भुगता हुआ में भुगता, भर्तृ जी कहते हैं कि भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोग नहीं मुझे भोग डाला। जो माया के पीछे पड़ा असंतोष, अतृप्ति, तृष्णा की आग में जलते जलते ही जीवन बीता और उसी में जीवन छूट गया। तृष्णा में डाल करके माया साथ छोड़ देती है, इसलिए माया पापनी है। कबीर, माया बेसवा दोनों की एक जात, आवत को आदर करें जात न पूछे बात। साहब कहते हैं माया और बेश्या दोनों की एक जात है। आते हुए को ये दोनों आदर करती है और जाते समय बात भी नहीं पूछती है। बेश्या के पास कोई पुरुष जाता है, बेश्या आदर करती है क्योंकि जानती है इससे मुझे पैसा मिलेगा, आदर सम्मान सत्कार बहुत प्यार से बात करती है। अच्छा, उसे पैसा मिल गया तब बात भी नहीं करती, पूछती भी नहीं है तुम्हारे पास रिक्शा के लिए किराए के लिए पैसा है कि नहीं, खाने के लिए पैसा है नहीं। आप कहते हैं माया की भी दशा यही है, आते समय बड़ा सुखद जान पड़ती है माया, अब जाती है तब एकदम निर्दय होकर चली जाती है, आदमी को दुख में डाल देती है। साथ जाने वाली है नहीं। कबीर, माया मोहिनी मोहे जान सुजान, भागे हूँ छूटे नहीं भरी भरी मारे बाण। ये माया मोहिनी है, बड़े बड़े ज्ञानियों को विद्वानों को भी यह मोह में डाल रखी है। भागे तो छूटे नहीं, साहब कहते हैं इससे कोई भाग जाए तो भी छूटने वाला नहीं है, इसका मतलब कि आपको माया से बच नहीं सकता। यहाँ ऐसा नहीं है, कोई आधे अधूरे मन से माया का त्याग करता है, थोड़ा सा कष्ट हुआ छोड़ दिया, समस्त नहीं छोड़ा, पिनक में आकर छोड़ दिया, फिर वहां जाकर के पड़ जाएगा। समझ जब सही होती है, अब सच्चे दिल से जब इसका त्याग होता है, इससे उदासीन जब कोई हो जाता है तभी पीछा छोड़ती है। आधे अधूरे मन से त्याग कर दिया तो वहां भी माया पीछे लगे। कोई घर त्याग कर साधु हो गया लेकिन बैराग नहीं है, सही ढंग से समझ नहीं है, तो यहाँ आकर भी छलकपट में पड़ेगा, पैसा संग्रह में पड़ेगा, गुरुवाई के लिए कलह कल्पना लड़ाई झगड़ा मुकदमाबाजी करेगा, हिंसा हत्या भी करेगा,
कहाँ छोड़ रही माया पीछे, और नहीं किया तो हमारा सम्मान हो जाए, हमारा नाम फैल जाए, सब लोग हमें जाने, इस चक्कर में पड़ करके भटकता रहेगा, कहाँ छोड़ते हैं माया पीछे। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान तपस्वी को माया ने मोह लिया है, बड़े तपस्वी हैं, पुराणों में बात आती है अमुक तपस्वी तप कर रहा था इतने दिनों तक, इतने हजार साल तक एक पैर में खड़ा होकर, फिर इतने साल तक सूखा पत्ता खाकर, इतने साल तक पानी पीकर, इतने साल तक हवा पी करके, और जरा सा किसी ने कुछ अपमान कर दिया, श्राप दे दिया, माया कहाँ साथ छोड़ी हुई है। तो साहब कहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान तपस्वी इनको भी माया ने मोह में डाल दिया है, रूप बदल जाता है, कहीं धन के रूप में माया आती है, कहीं पद के रूप में, कहीं प्रतिष्ठा के रूप में, कहीं और कुछ रूप में, अनेक एक रूप थोड़े है माया का, अनेक रूप बनाना जानती है। कोई आधे अधूरे उनसे बाहर बाहर त्याग का दिखावा करता है तो कहीं भी चले जाए उसे भाग करके माया पीछे छोड़ेगी नहीं, वहां जाकर के रगड़ देती है। श्रृंगी ऋषि बन भीतर माए मारे, साहब ने कहा है श्रृंगी ऋषि को माया ने जंगल में जाकर के मार लिया, तपस्वियों को तप करते हुए, अब किसको किसको किस करके कैसे कैसे माया मारती है। भरी भरी मारे बाण, ए माया लोभ का बाण, मोह का बाण चढ़ा चढ़ा करके सबको मारती रहती है, सबको भटकाती है। कबीर माया मोहिनी सब जग घाला घानी, कोई एक साधु उबरा तोड़ी कुल की कहानी। ये माया मोहिनी है, सबको मोह रही है और पूरे संसार को धानी बनाकर लोभ के कोल्हू में डाल करके सबको पीस रही है। पहले कोल्हू में जैसे घान तेल करना है, पीतना है तो तिल सरसों या कोई और एक घान बना करके डाल दिया कोल्हू में, कोल्हू चल रहा है, बस रगड़ करके सब पीस जाता है। साहब कहते हैं लोभ का कोल्हू बना रखी है माया, अब लोगों को मुंह मुंह करके घाने बना बना करके कोल्हू में डाल करके पीस रही है। जहां भी लोभ आया वहां आदमी क्या क्या काम नहीं करता है। जहां कुछ भी लोभ आया मन में, सुख का लोभ आया, सबसे बड़ा ज्यादा तो यही सुख का लोभ, सुख के लोभ में आदमी कितना कितना भटकता है, जो नहीं करना चाहिए वो सारे काम करने लग जाता है, क्योंकि मोह में आ गया है, माया चक्कर में पड़ गया। कोई एक साधु उबरा तोड़ी कुल की कान, इससे कोई एक साधु साधक जो साधना में डूबा हुआ है वही इसे बच सकता है, लेकिन कैसे, तोड़ी कुल की कान, कुल जाति का अहंकार तोड़ करके, हम बड़ी जाति के हैं, हम बड़े कुल के हैं, हम बड़े प्रसिद्ध हैं, ये अहंकार आया बस माया रगड़ दिया। किसी का भी अहंकार जो नहीं कर, सब तरह से विनम्र हो जाता है, झूठी मर्यादा का जिसने त्याग कर दिया, विनम्र हो गया, सब तरफ से निश्चल निर्माण हो गया, ऐसा कोई जो साधु होगा वही इस माया से बच सकेगा।
जो इस माया से बच सका वो साधु हो गया, दोनों बात है। जो साधना परायण है, साधना में लगा हुआ है निरंतर, अपने मन के अहंकार को देखता रहता है, विनम्रता पूर्वक समर्पित होकर सेवा भक्ति में लगा हुआ है, वो माया से बच गया, वही फिर संत हो गया, आगे चल करके प्रसिद्ध हो गए। कबीर माया मोहिनी भई अंधियारी लोय, जो सोए सो मुसी गए रहे वस्तु को रोए। ये मोहिनी माया संसार में अंधेरी रात के समान उपस्थित है, और लोग इसमें सो गए हैं, मोह गए हैं। रात का अंधेरा छाया, लोग सो जाते हैं। ऐसे ही ये माया अंधकार के तुल्य है। धन संपत्ति का लोभ आया, पद का लोभ आया, काम की वासना आई अंदर मन में, अंतःकरण में घोर अंधियारी छा गई। क्या करना, कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, नीति अनीति सब कुछ आदमी भूल जाता है, उसी में मोह जाता है, बिल्कुल पागल बन जाता है। जो सोए सो मुसी गए, जो इसमें सो गया माया के मोह में मस्त होकर डूब गया, वो लूट लिया गया। रहे वस्तु को रोए, वह अपने वस्तु के लिए, अपने ज्ञान वस्तु के लिए, शांति के लिए रो रहा है। अब है मेरा सामान चोरी हो गया, मैं लूट लिया गया, क्योंकि माया की अंधियारी में काम क्रोध के डाकू आते हैं, हमारे ज्ञान धन को, शांति धन को, आत्मधन को लूट लेते हैं। मनोविकार में पड़े, ज्ञान धन लूट गया, शांति धन लूट गया। इसलिए साहब कहते हैं माया को सुखद मत जानो, ये तो भयंकर अंधियारी रात के समान है, कुछ सुझाई नहीं पड़ेगा हमें। इसमें सुख मान करके नींद मत लो, नहीं सब प्रकार से लूटे जाओगे, रोते रोते ही जीवन व्यतीत होगा, कुछ हाथ आएगा नहीं। कबीर माया डाकिनी सब काहू को खाए, दांत उपारू पापनी संतो नीरे जाए। साहब कहते हैं कि माया डाकिनी है, सब पर डाका डाल रही है। दिन दहाड़े क्या है, ये मानव शरीर पशु पक्षी खाने में विवेक नहीं है, जागने की भूमिका नहीं है, तो वो भूमिका है। पेट भर लिए, समय आया प्रजनन कर लिए, बस उनका काम पर्याप्त, वहाँ कोई और विकास की संभावना नहीं है, क्योंकि मन का ही विकास नहीं है चिंतन करने के लिए। ये मानव शरीर ज्ञान भूमिका है, विवेक प्रधान भूमिका है। आदमी के पास हित अहित बंधन मोक्ष अपने पराये कर्तव्य कर्तव्य को समझने की शक्ति है, ज्ञान है, विवेक है, लेकिन इसी में ही आदमी सर्वाधिक लूटा जा रहा है। जितना आदमी भटका हुआ है उतना जानवर कहाँ भटके हुए हैं। जानवरों में भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार कहाँ है, सहज है उनका जो कुछ है सहज। लेकिन आदमी कौन सा ऐसा अनर्थ नहीं है जिसे करने के लिए तैयार ना हो। तो माया द्वारा डाका डालना ही तो है, दिन दहाड़े सब काहू को का सबको खा रही है माया। लेकिन साहब कहते हैं माया को मान, साहब माया को चुनौती दे रहा है, तो सबको तो खा रही, लेकिन देखना ये पापनी माया, यदि तू संतों के निकट जाएगी तो तेरे दांत उखाड़ लूंगा, एक कहने का तरीका है।
जो साधना परायण संत हैं, निरंतर आत्मचिंतन में लीन, माया उसका क्या बिगाड़ेगी? वो मायातीत हो गया। यहां पर मान लो माया को संबोधित करते हुए साहब साधकों को, हम लोगों को सावधान कर रहे हैं, देखना तुम माया से सावधान रहना, यदि माया के चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारे दांत उखड़ जाएंगे। एक एक दांत उखाड़ लेगी, माया कुछ छोड़ेगी नहीं। माया से यदि सुरक्षित जीवन जीना है तो ये माया से दूर रहना होगा। निरंतर सावधान, जागरूक बन करके, साधना में समर्पित होकर के काम करना होगा। कबीर, माया रूखड़ी दो फल को दातार, खावत खर्चत मुक्ति भय संचत नरक द्वार। माया रूखड़ी है जिसमें कोई रस ना हो, या कह सकते हैं माया रूख, रूखड़ा कहा जाता है वृक्ष को, पेड़ को। माया एक ऐसा वृक्ष है जो दो फल को देने वाला वृक्ष। वो कौन सा फल है? मुक्ति और नरक। कैसे? खावत खर्चत मुक्ति भय। यहां माया धन संपत्ति, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, जीवन निर्वाह की चीजें, यदि इनको उदारता पूर्वक खाने और खिलाने में, परोपकार में, दान में, सेवा में लगा दिए तो यही दुनिया का धन मुक्ति में सहायक हो गया। अपना जीवन निर्वाह किए, दूसरों की सेवा में लगाए, परोपकार में लगा दिए तो मुक्ति का साधन बन जाएगा धन। लेकिन इसे बटोरते गए, सब प्रकार पूरी तरह से बटोर करके रख लिए, केवल संग्रह करना, तब ये यही धन नरक में ले जाएगा। चीज वही है, आज ही नरक में जो आदमी खाली बटोर रहा है, खर्च करना नहीं जानता, आज ही जीवन बना हुआ है नरक, आगे संस्कार खराब होगा और नरक में भटकेगा। कबीर, माया जात है सुनो शब्द निज मोर, सुखियों के घर साधुजन, सुमो के घर शोर। कबीर साहब कहते हैं कि माया जाते हुए पुकार करके कहती है, दुनिया के लोगों मेरी बात को सुनो, जो परोपकारी है, सेवा परायण है, उदार है, उसके घर में तो संतों का आगमन होगा, लेकिन जो सूम है, कंजूस, पैसा पैसा बटोर रहा है, उसके घर चोर आएंगे। आखिर धन ज्यादा हो जाएगा तो लोग चोर चुराने को जाएगा उसके घर, और अंत में तो माया को छूटना है, चाहे चोर ले जाए, चाहे दिन दुखियों की सेवा में लगा दे। लेकिन कोई परोपकारी, सेवा परायण, उदार है, अपनी ओर से संतों की सेवा में, दिन दुखी लाचारों की सेवा में लगा दिया, परोपकार में लगा दिया, माया चली तो गई लेकिन संस्कार अच्छे बन गए, वर्तमान में प्रसन्नता है कि हमारा धन अच्छे काम में लग रहा है, संस्कार उज्जवल हो रहे हैं, कहीं नहीं लगाए, न खाए न खिलाए, संग्रह करते गए, रात दिन उसकी चिंता है, चोर ले गए, संस्कार तो पहले खराब हुआ और अब माथा पकड़ बैठ करके रो रहा है। अंत में होना है, चाहे इसे सेवा में लगा दे, चाहे इसे चोरों के लिए संग्रह करके बचा ले, जाएगी माया दोनों तरह से। कबीर, यह संसार है झूठी माया मुंह, जी घर जीता बधावना, तीघर तेता दो।
साहब कहते हैं कि इस संसार का माया मोह झूठा है, इसमें कोई सार नहीं है। जिसके घर में जितने बधावना है, जितने प्रसन्नता है, उसके घर में उतना शोक, बड़ा परिवार मान लो है। अब बड़ा परिवार है, कई भाई हैं और उन भाइयों के कई बच्चे हैं। अब बड़े परिवार है तो किसी के क्या कोई बच्चा पैदा हो रहा है, बड़े परिवार में तो समय समय बच्चे पैदा होते रहेंगे, तो लोगों को बड़ा हर्ष, बड़ा बड़ी प्रसन्नता, बधाई आ रही है। लेकिन बड़ा परिवार है तो जितने अधिक लोगों के जन्मने की बधाई आ रही है ना, उतने मरने का शोक भी तो आएगा। बड़े परिवार में ज़्यादा लोग मरेंगे, छोटे परिवार में कम लोग मरेंगे। तो जितनी बधाई बधावना जितनी बधाई है उतनी फिर शोक आएगी, शोक आएगा, उतना दुख का अवसर आएगा। अधिक धन संग्रह है, खूब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन फिर वही अधिक धन है, शोक भी आ गया, चिंता भी अधिक रहेगी, कहाँ से बचाऊँ, कैसे बचाऊँ, ऐसे बचाऊँ, ऐसे बचाऊँ। तो साहब कहते हैं माया का मोह, माया के मोह में जितना फूलोगे उतना ही अंत में शोक में डूबना पड़ेगा। अब माया के मोह में फूले नहीं तो फिर शोक से बचना पड़ेगा। शोक कोई अलग थोड़ा है, शोक तो मोह की छाया है। जहां जहां मोह रहेगा वहीं वहीं शोक उपस्थित रहेगा, अदृश्य रूप में, समय आपके आने पर प्रकट हो जाएगा। इसलिए माया के झूठे दिखावा में फूलो मत, जहां फूले अंत में शोक में डूबना पड़ेगा। माया करक कदीम है, यह भव सागर माय, जम्बुक रूपी जीव है खेचत ही मर जाए। माया करक कदीम है, करक सुखी हड्डी, कदीम सदा से, ये माया सदैव से सुखी हड्डी के समान है। यह भव सागर माय, इस भव सागर के बीच में जम्बुक रूपी जीव है, और दुनिया के लोग कहते हैं सियार के समान, खेचत ही मर जाए, खींच खींच करके मर जाते, सुखी हड्डी पड़ी हुई है, सियार आकर के उसे नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, उसमें है नहीं कुछ, खींच खींच करके मर जाएगा, लाभ तो कुछ नहीं होगा। साहब कहते हैं बस इस सुखी हड्डी के समान है ये माया, सार कुछ नहीं है, मांस तो पहले सब लोग नोच करके खा गए हैं, सुखी हड्डी, पेट क्या भरेगा उसने किसी का, लेकिन है ही ऐसे, सब लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। आगे और आया इसी पर ही, बस खींचते 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 अपने अधिकार में हो जाए, माया के पीछे दौड़ते दौड़ते इसे अपने बस में करते करने के पीछे पड़े पड़े लोग मर मर करके चले गए, और माया जहाँ के तहाँ पड़ी रह गई। इसे किसी को तृप्ति मिली नहीं और किसी के होकर के रही नहीं। आज भी यह माया कुमारी की कुमारी बनी हुई है, किसके होकर के रही है। माया सेती मत मिलो, जो सो बोरिया देह, नारद से मुनिवर गले, क्या ही भरोसा तो ही। माया चाहे सोने के देह वाली हो तो भी उससे मत मिलो। यह माया है स्त्री, क्योंकि पुरुष साधु के लिए, पुरुष साधु का मोह कहाँ होता है, पुरुष का मोह स्त्री के लिए है। यदि कल्याणार्थी साधिका है तो उसके लिए कह सकते हैं पुरुष साहब। कल्याणार्थी जो साधक हैं उनको साधन करते हैं, देखना माया चाहे सोने के देह वाली हो तो भी उसमें मिलना मत,
कितने सुंदर से सुंदर सर्वांग संपन्न स्त्री हो, उसको देख करके ललचाना मत, नहीं तो तुम्हारा पतन होना ही होना है। और कोई साधिका है, कितना सर्वांग सुंदर पुरुष हो, उसको देख करके मोह करती है, ललचाती, उसके साथ उड़ती बैठती ज़्यादा, तो अपनी साधना में यार एक रस टिक नहीं पाएगी, पतन उसका हो जाएगा। साधक पुरुष है तो उसे स्त्री के संगत से दूर रहना होगा, साधिका है तो पुरुष के मोह से दूर रहना होगा। उदले साहब कहते हैं, माया चाहे सोने के देह वाली हो तो भी उसमें मिलना मत, उससे दूर रहना। नारद से मुनिवर गले, नारद जैसे मुनि माया चक्कर में पड़ करके हंसी का पात्र बने तो तुम्हारी जैसी स्थिति क्या होगी? इतने दिन से माया से बच रहे नारद बाल ब्रह्मचारी, बचपन से ही विरक्त हो गए, अब वो अंत में जाकर के माया के चक्कर में पड़ गए और हंसी के पात्र बने। साहब कहते हैं, तो तुम्हारे जैसे साधारण साधक ये क्या दुर्दशा होगी? इसलिए सावधान, कोई हो, यदि कोई साधारण साधक है, बहुत बुद्धि नहीं है, बहुत जानता नहीं है, सामान्य बुद्धि है, लेकिन यदि वो सावधान है, कुसंग से दूर, विजाति घट की संगत से दूर, उसे अधिक संबंध नहीं रखता है, निरंतर सावधान जागरूक है, लगा हुआ है जिस किसी प्रकार से, तो अपना कल्याण का काम कर लेगा। और कोई बड़ा बुद्धिमान है, बहुत तेज दिमाग और कर्मठ भी बहुत है, व्यवहार कुशल भी बहुत है, लेकिन सावधान नहीं है, स्त्री संगत का मोह करने वाला है, उसका जानना समझना सब चला जाएगा एक और, वो पतित हो जाएगा। तो यहाँ कौन कितने दिन का साधक है, कौन नया है, कौन पुराना है, इससे मतलब नहीं है, कौन बुद्धिमान है, कौन बुद्धिहीन है, इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि वो सावधान कितना है। पुराना से पुराना 10, 20, 25, 40, 50 साल का साधक हो, 40 साल 50 साल हो गए साधना करते करते, 50 साल के बाद सावधानी छोड़ दिया, कुसंग करने लग गया, स्त्री संगत में मोह करने लग गया, उसका पतन हो जाएगा। नया ही साधक है, सावधान है, स्त्री संगत से दूर रहता है तो वह कुशलतापूर्वक अपनी साधना का काम कर लेगा। नियम सबके लिए एक जैसा है, जो सावधानी छोड़ेगा उसका पतन होगा, और जो सावधान है, निरंतर जागरूक है, वो पतन से अपने आप को बचा लेगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। यहाँ तो साहब सावधान करते हैं कि सावधान रहना, विजाति घट की संगत से दूर रहना, तो तुम माया से बच करके रहोगे, और नहीं तो माया चक्कर में पड़ करके रगड़े जाओगे। माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि माही परन, कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु सन। माया दीपक की लौ के समान है, और मनुष्य पतंगा के समान है, जो भ्रम भ्रम करके उसमें झुलस झुलस करके मर रहा है। पतंगा को भ्रम होता है दीपक लौ की ज्योति देख करके बड़ा सुंदर आकर्षक, इसमें लिपटने से मुझे सुख मिलेगा, और लिपटता है, और जितना लिपटता है पंख जल गए अंग जल गए उसी में झुलस करके मर जाता है। साहब कहते दुनिया का मुंह, चाहे वो माया धन ऐश्वर्य हो, चाहे माया व स्त्री पुरुष के रूप में हो,
ये दीपक ज्योति के समान है। और आदमी पतंगा के समान भ्रम 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 करके धन में सुख है, पद में सुख है, वासना में सुख है, भोग में सुख है, भ्रम 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 करके दीपक ज्योति में अपने को चिपका रहा है, झुलस रहा है, उसी से कष्टित हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। लेकिन अपना पतन देख नहीं रहा है। कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु संत, कोई एक बिरला, अर्थात यहां बिरले बिरले साधु संत जो गुरु ज्ञान का आधार लेकर के रहते हैं, वही माया से अपने को बचा सकते हैं। ज्ञान का आधार, संयम का, सावधानी का आधार लेकर के रहा। ज्ञान का आधार लेने का मतलब क्या है? ज्ञान करते सावधानी, संयम, विवेक। तो जो गुरु ज्ञान का आधार लेकर के रहता है, ऐसा कोई साधक साधक है, साधु है, संत है, वही अपने आप को माया से बचा सकता, वो इस माया से उबर जाता है। माया संचय संग्रह है, वह दिन जाने नाही, सहत बरस की सब करें मरे मुहूर्त माई। माया का संचय सब लोग कर रहे हैं कि माया का बटोर बटोर कर रखें, आगे सुख देगी, आगे सुख देगी, लेकिन उस दिन का पता नहीं है कि एक दिन माया को छोड़ करके, सब कुछ यही छोड़ करके यहां से चला जाना होगा। आदमी इस प्रकार से भ्रम में पड़ा हुआ है कि वह ऐसा संग्रह कर रहा है मानो हजार वर्ष तक जीना है, सहत बरस की सब करें, हजार वर्ष तक की व्यवस्था कर दें और मुहूर्त भर में मर जाना है। चिंता ऐसी कर रहा है हजार साल तक, अब मौत का कोई ठिकाना नहीं है, कब आ जाए, यही तो माया है, भ्रम। हम लोग सदैव भ्रम में जीते हैं, अब पल भर में मौत आती है, सारा भ्रम तोड़ देती है, लेकिन उस समय कुछ करने का अवसर रहता नहीं है। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भगता के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। माया और छाया दोनों की दशा एक जैसी है, लेकिन इनकी वास्तविकता को कोई बिरला विवेकी ही जानता है। छाया को आप पकड़ने दौड़े, सामने छाया दिखाई पड़ रही है, कहे छाया तो साथ लगी हुई है, पकड़ लो। तो छाया को पकड़ने दौड़े, जितना दौड़े छाया उतनी भागती चली जाएगी, दूर हो, कभी पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन छाया से पीठ दे दो, मुख मोड़ लो उधर छाया से, फिर जहां जाओ छाया पीछे पीछे चलेगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस ऐसे ही है ये दुनिया का भोग ऐश्वर्य, इसके पीछे दौड़ो तो हाथ आने वाला नहीं है, इससे मुख मोड़ लो तो पीछे पीछे, इच्छा करके दौड़ो कुछ मिलेगा नहीं, मुख मोड़ लें, इच्छाओं पर संयम कर लें, निष्काम हो जाए, हर समय तृप्ति बनी हुई है। भक्ता के पीछे फिरे, जो भगत है, यहाँ भक्त जो इसे भक्ता मतलब भगत कहना है, या भक्त मतलब इसे भागने वाला, पीड़ दे देने वाला, जो उदार परोपकारी है, सेवा परायण, उनके पीछे पीछे माया घूमती है। सबसे उसके माने प्रसन्नता है, संतोष है, तृप्ति है, लेकिन सन्मुख भागे सोए, जिसके सन्मुख है इसके पीछे दौड़ता, कंजूस प्रकृति का आदमी है,
उसे माया भाग जाती है, पकड़ में से नहीं मिलती। कभी उस आदमी को पूरा नहीं पड़ता, परे न पूरी दिनों दिन छीना, लोभी आदमी को कभी पूरा नहीं पड़ता। दिन दिन उम्र जो जो बढ़ती जाती है त्यों त्यों उसकी बेचैनी, व्याकुलता, अतृप्ति, तृष्णा सब बढ़ती चली जाती है। माया मन की मोहिनी, सुरनर रहे लुभाए, इन माया सब खाइया, माया कोई न खाए। माया मन को मोह लेने वाली है, सुर नर मुनि सबको मोह मोह करके माया खा रही है, खा रही है। सुर नर रहे लुभाए और सुर नर मुनि सब इस माया में लुब्ध हैं, मोहित हैं, देख करके ललचा रहे हैं। साहब ने चाचर में कहा ना, इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललच ले जाए, ये माया के दरवाजे पर तो इंद्र और कृष्ण भी खड़े हैं। माया को एक नज़र देखने के लिए उनके मन में भी लोभ है, सब तो लुभा रहे हैं, एक नज़र देख लें, एक बार माया मिल जाए, छक करके भोग लूं, तृप्त हो जाऊं, ये लोभ में सब पड़े हैं सुर नर मुनि। लेकिन साहब कहते हैं मिन माया सब खाई, इस माया ने सबको खा लिया, सबको धर दबोचा, सबको रगड़ दिया। माया कोई ना खाए, कोई माया को खा नहीं सका, कोई माया को अपने बस में कर नहीं सका, इसे कोई जीत नहीं सका। जीतेगा कौन? जो निष्काम है, आत्मतृप्त, वही माया को खा लिया मानो, उससे बच गया। माया तो ठगनी भई, ठगत फिरे सब देश, जो ठगने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश। ये माया ठगनी बन करके पूरे संसार में घूम रही है और सबको ठग रही है। साहब को तो ये पद बहुत प्रसिद्ध है, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुनी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ये माया महाठगनी है और मधुरी बानी बोल बोल करके, बड़ी मीठी बानी बोल बोल करके त्रिगुण का फांस लेकर सबको फंसा रही है, सबको ठग रही है। उसने साहब ने बताया है कि एक रूप थोड़े बताया है, कहीं के यहाँ माया हीरा बन करके बैठी है, किसी के यहाँ कानी कौड़ी बनकर बैठी है, किसी के यहाँ सेविका बन करके बैठी है, भक्तिन बन करके बैठी है, पंडा के यहाँ मूर्ति बन करके बैठी है, तीर्थ में पानी बन करके बैठी है। एक रूप थोड़े है माया के, कैसी शाखा के रूप में बैठी है माया, कहीं मठ मकान के रूप में बैठी हुई है, अनेक रूप है माया के। जिसमें हम ठगा जाएं, जिसमें हम लुभा जाएं, वो सब माया, और अंत में वो चीज रहने वाली है नहीं। तो माया ठगनी बन करके नाना रूप धारण करके संसार में घूम रही है और पूरे संसार को ठग रही है, सब को झूठा आश्वासन दे करके उनके ज्ञान धन को, सांधन को ये लूट रही, ठग रही है। जो ठगने ठगनी ठगी ता ठग को आदेश, लेकिन जिस ठगने इस ठगनी माया को ठग लिया, साहब कहते हैं मैं उस ठग को नमस्कार करता हूं। कोई इतना बड़ा हो, कोई ठग पीतल पर सोने का पानी चढ़ा दिया और बहुत मीठी मीठी बात करके लोगों को ठग लिया, भैया बहुत गरीबी है, बड़ी विपत्ति आ गई, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करूं, बाप दादा के जमाने की चीज है, बेतने समय मन फटा जा रहा है, कोई उपाय ही नहीं है, ले लो भैया बहुत मुसीबत है। अब लोग आ गए बात में, सोने का दाम देकर पीतल को खरीद लिए। अरे उससे ज्यादा ठगनी ये तो माया है, लेकिन ऐसे ठगों को कोई ठग ले तब वो तो महाठग होगा।
तो जा ठगने ठगनी ठगे ठगी जिस ठगने इस ठगने को ठग लिया। साहब कहते हैं टाट ठग को आदेश, उस ठग को मेरा नमस्कार। वो कौन है ठग जिसने माया को ठग लिया? वह है साधना परायण संत साधक, सब तरफ से जो सावधान, कहीं निलुभाता नहीं है। साधु मार्ग में आ जाएं तो कम प्रलोभन यहां है, एक घर गृहस्थी छूट गई, यहाँ मठ महंती प्रलोभन, शिष्य शाखा का प्रलोभन, थोड़ा वैद्यक सीख लिए तो तमाम लोग हमारा प्रचार करने वाले हो जाएंगे, फिर अनेक लोग आएंगे प्रचार करेंगे, हाँ बाबा बड़े जानकार हैं, सिद्धई आशीर्वाद देने का कितना कितना, और लोग आते ही हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, कृपा कर दो महाराज, और कुछ नहीं तो सिर पर ही हाथ रख दो। ये सब माया के ही तो कहीं तो रूप है, किसी सिर पर हाथ रख दिए महाराज बहुत कष्ट है, कुछ ना करो महाराज आशीर्वाद, सिर पर हाथ रख दो महाराज, सिर पर हाथ रख दिए, संयोग से उसकी बीमारी दूर हो गई, उसके उसका काम पूरा हो गया, अरे गुरु महाराज ने आशीर्वाद दी, सिर पर हाथ रखा, अब लाइन लगाने लग जा, यहाँ भी माया आकर के रूप बना लिया, सिर पर हाथ रखने के रूप में बन गई माया, अनेक रूप में। लेकिन साहब कहते हैं जो सब तरफ से अपने को बचा लेता, अत्यंत सावधान है, साधना परायण, जिसका एक ही लक्ष्य है आत्मशांत, ऐसा जो संत है वो महाठग, जिस माया को भी ठग लेता है उसके सामने इस माया का कोई वश चल नहीं पाता है। साहब कहते हैं ऐसे संत को निवृत्त परायण साधना निष्काम जो संत हैं उसको, उनको मेरा नमस्कार है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कथि कहें कबीर। साहब कहते हैं कि माया मरती नहीं है, यहाँ माया है, मन का मुँह आशा तृष्णा, आगे वो भी आया ही है, मोह नहीं मरता, मन नहीं मरता, मन में भी तमाम कामना है, ये देखूं, ये सुनूं, ये खाऊं, ये भोगूं। आशा तृष्णा न मरी, आशा तृष्णा समाप्त नहीं होती है, नहीं मिली है उसकी आशा, मिल गई वो और अधिक अधिक बढ़े ये तृष्णा, ये मरती नहीं, यही सब तो माया है। हाँ शरीर मर रहा है बार बार, अनादिकाल से ये जीव शरीर धारण करते छोड़ते आ रहा है, शरीर तो मर रहा है लेकिन मन नहीं मरता, मन को वैसे के वैसे है, मन आशा तृष्णा वैसे के वैसे बलवती, शरीर मरने से क्या लाभ होगा, मन का मोह मिटना चाहिए, आशा तृष्णा मिटनी चाहिए, फिर शरीर चाहे जब मिटे उसकी चिंता ही नहीं है। मोह मिट गया, आशा तृष्णा समाप्त हो गई, मन शांत हो गया, निष्काम बस काम बन गया, कल्याण हो गया, अरे सब नहीं हुआ तो फिर कहीं भी चले जाए कल्याण तो होने वाला नहीं है। माया काल की खानी है, धरे त्रिगुण विपरीत, जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, या माया की रीत। माया काल की खान है, काल कष्ट दुख पीड़ा संताप कल्पना भ्रांत, इन्हीं की तो खान है माया, धरे त्रिगुण विपरीत, और ये विपरीत का अर्थ है भयंकर विकराल, विपरीत का अर्थ यहां उल्टा नहीं, त्रिगुण का रूप धारण करती है, कौन त्रिगुण, काम क्रोध लोभ और रूप धारण करती है माया, ये ही अनर्थ पर्याप्त है, केवल काम की वासना यही सब अनर्थ करवा देती है, काली क्रोध की वासना, खै लोभ की वासना, और जहां तीनों एक हो तब, इसलिए तो काम क्रोध लोभ को गीता में नरक का द्वार कहा गया है। तो माया काल की खान, काल कष्ट दुख उपाधि पीड़ा की खान है, उत्पत्ति स्थान है, ये काम क्रोध लोभ
का भयंकर रूप धारण करके दुनिया में घूमती है। जहाँ जाए तहाँ सुख नहीं, यह माया की रीति, यह माया का व्यवहार है कि जहाँ ये जाती है, जहाँ रहती है, वहाँ लोगों को सुख नहीं मिल पाता है। भ्रम तो लोगों को है कि माया सुख की खान है। माया को छोड़ करके सुख का और कोई आधार नहीं है, लेकिन है उल्टा। जहाँ यह माया रही, जहाँ कई प्रकार का मन में मोह आया, कोई विकार आया मन में, वहाँ हमारा स्थिरता का सुख, समता का सुख समाप्त हो गया, फिर तो क्लेश ही है। यदि इससे बचना है तब इससे उदासीन हो जाना होगा। समझ लें कि माया ही दुख का कारण है, इससे उदासीन हो गए, बस सब सुख मिल गया। तो जहाँ भी माया है वस्तुतः वो मन की अविद्या, मन का मुंह। अविद्या ना हो मन में, मोह ना हो मन में, तो काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार या अन्य कोई विकार उत्पन्न कैसे होगा? और जिसके मन में काम क्रोध लोभ के विकार नहीं है, उसके जीवन में दुख कहाँ है? अब यदि ये है तो कहीं भी चले जाएं, हम दुख से बच कैसे सकते हैं? मन में विकार रख कर, मन में आशा तृष्णा मोह वासना रख कर कोई कहीं भी चला जाए सुखी नहीं हो सकता है। दुख उसका पीछा छोड़ेगा नहीं। और संयम, विवेक, विचार, साधना द्वारा मन को मायातीत कर लिए, विकार रहित निर्मल बना लिए, उसके लिए फिर दुख रह नहीं गया। वो जहाँ जाए वहीं उसके लिए सुख ही सुख है। करना हम लोगों को यही है, संत गुजनों की सेवा भक्ति करते हुए संयम साधना का आधार लेकर के मन के विकारों का शमन, तो हमारे लिए माया समाप्त, फिर सुख ही सुख।